हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विच ओकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। कहते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब होता है या तो फर्टिलिटी का लॉस हो जाना या फिर प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाना। कहते हैं लैंड की प्रोडक्टिविटी या फिर लैंड की फर्टिलिटी अगर ख़त्म हो जाती है या उसका लॉस हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि लैंड जो हमारी वो डिग्रेड हो गई। कहते हैं विच ओकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, वो किस वजह से होते हैं, यानी कि फर्टिलिटी कैसे ख़त्म होती है, यानी कि जिसकी वजह से जो लैंड है वो उपजाऊ है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि अब उसके ऊपर कुछ नहीं उगाया जा सकता, वो बंजर हो गई है या उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसको बोलते हैं हम डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब समझ आया क्या? मतलब कि फर्टिलिटी का लॉस होना, लॉस ऑफ फर्टिलिटी और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि वो अब उपजाऊ नहीं रही, उसके ऊपर प्रोडक्शन जो होगा वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि प्रोडक्टिविटी होगी ही नहीं, मतलब बहुत कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कहते हैं किन फैक्टर्स की वजह से होती है डिग्रेड ऑफ सॉयल या डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। फर्स्ट कहते हैं सॉयल इरोजन, सोयल इरोजन कॉज बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लड्स। सोयल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन, यानी कि जो ऊपर वाली सोयल की परत होती है जिसकी वजह से, यानी जो जिसकी वजह से फसल अच्छी होती है, उपजाऊ बनती है, जो सबसे ऊपर वाली मिट्टी होती है, टॉप लेयर ऑफ द सोयल। ठीक है, टॉप लेयर ऑफ द सोयल मतलब जो हमारी मेन सोयल है जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, जिसकी वजह से यानी जिसको हम मृदा बोलते हैं, जो उपजाऊ परत होती है, कि अगर वो हट गई तो फिर क्या नहीं होगी, फिर उपज अच्छी नहीं होगी, होगी ही नहीं मतलब प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो कहते हैं सोयल इरोजन कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। कहते हैं जो तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, एकदम से बहाव आ जाता है, उसकी वजह से ऊपर वाली मिट्टी हट जाती है। वैन वी टॉक ऑफ सोयल इरोजन वी आर रेफरिंग ऑफ लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ द सोयल। जब हम बात करें सोयल इरोजन की तो हम बात कर रहे हैं अपर लेयर ऑफ द सोयल का लॉस हो जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सोयल भी बोलते हैं। विच कंटेन मेजर न्यूट्रिशंस, जिसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। सेकेंड है अल्कालिनिटी एंड सालिनिटी ऑफ सॉयल कॉज बाय वाटर लॉगिंग। कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा पानी अगर वहाँ पर स्टोर रह गया तो उसकी वजह से भी क्या होता है, सॉयल इरोजन होता है। कहते हैं एक्सेसिव वाटर लॉस ऑन द टॉप सॉयल, इट टेंड्स टू सक अप द न्यूट्रिशंस ऑफ द सॉयल एंड रिड्यूस इट फर्टिलिटी। कहते हैं ज़्यादा पानी का बहाव अगर टॉप सॉयल के ऊपर रह जाता, ज़्यादा टाइम तक अगर टॉप सॉयल के ऊपर ज़्यादा पानी अगर आप डालते रहते हो, या पानी ही पानी है उसके अंदर, बार बार एक बार बारिश हो रही, दोबारा फिर होगी, तो कहते हैं उसकी वजह से भी जो न्यूट्रिशंस होते हैं सॉयल के वो ख़त्म होते चले जाते हैं। कहते हैं इन इंडिया नियरली 50% ऑफ टोटल लैंडेड एरिया इज एक्सपोज टू डिग्रेडेशन ऑफ वन टाइप और द अदर। कहते हैं इंडिया के अंदर 50% जो टोटल लैंडेड एरिया है उसके अंदर जो सोयल है वो एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके, जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े, या तो कोई मतलब इनमें से एक रीज़न या फिर कोई दूसरा रीज़न, उसकी वजह से क्या होता है, सोयल इरोजन होता है। सम अर्जेंट स्टेप्स रिलेटिंग टू सोयल कंजर्वेशन इज नीड टू द नीड ऑफ द आर। कहते हैं कि कुछ मतलब सोयल इरोजन को रोकने के लिए अर्जेंट स्टेप उठाए जाने चाहिए। ठीक है, कहते हैं यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, फिर बॉक्स में एक कुछ बात दे रही कि कहते हैं तुम्हें ये बात भी समझनी जरूरी है। द सोयल इरोजन ओकरिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लड इज फर्दर एनहांस थ्रू डिफोरेस्टेशन। कहते हैं सोयल इरोजन जो ओकर होती है ज़्यादा तेज हवाओं से, फ्लड से, वो किसकी वजह से भी ज़्यादा होती है, डिफोरेस्टेशन की वजह से भी, यानी जो पेड़ काट दिए जाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, वो उनकी जड़ें तो पेड़ के अंदर ही समाई हुई हैं, मतलब धरती के अंदर ही गई हुई हैं, यानी अगर आप उन पेड़ों को उखाड़ोगे, ठीक है, कट करने के बाद जड़ भी निकालते हैं ना, तो जैसे उस जड़ को निकालोगे तो कितनी ज़्यादा मिट्टी फटेगी, जहाँ जहाँ तक उसकी जड़ फैली हुई थी सारी निकल जाएगी, तो टॉप सॉयल क्या हुई, ख़त्म हो गई। फॉरेस्ट एक्ट एज ए बिल्ट इन चेक ऑन सॉयल इरोजन बाय रिसिस्टिंग द फरी ऑफ फ्लड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। कहते हैं फॉरेस्ट जो होते हैं वो सॉयल इरोजन को मेंटेन करने का भी काम करते हैं। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा लगाते हो फॉरेस्ट तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, तेज़ हवाएं और फ्लड्स भी बहाव आ रहे हैं, तो अगर पेड़ होगा वहाँ पे तो ज़्यादा हद तक क्या रखेंगे, मिट्टी को नहीं पाटने देते ना, ऐसा फटने नहीं देते, मतलब ऐसा नहीं होता ना, जब भी अगर कोई ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो पेड़ बीच में से टूट सकता है, ऐसा नहीं होता कि उसकी जड़ निकल के एकदम से पड़ जाते हैं ना, तो कहते हैं काफ़ी हद तक जो फॉरेस्ट होते हैं अगर आप फॉरेस्टेशन करते हो तो उसकी वजह से सोयल इरोजन जो है कम होता है। तो मेन जो आज हमने स्टडी किया वो हमने क्या किया, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, कि जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है, फैक्टर्स क्या क्या हैं जिनकी वजह से होता है, और क्या अब हमें बात समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको आज की वीडियो क्लियर होगी होगी। आज के लिए इतना ही, अगर कोई भी आपको डाउट क्वेरी आते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से, तो आप मेरे से पूछ लिया करो। ठीक है, तो
Hope you like this video. Thanks for watching. Like, share, comment, and subscribe. Priti Kaushik Classes. Bye bye. Take care. Keep watching.